नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। नजर डालते हैं जिले की बड़ी खबरों पर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भूमाफिया द्वारा जबरन किया गया कब्जा मोहल्ला धनकुट्टी पूरा बहराइच प्रार्थी राजेश कुमार टंडन का मकान जबरन ब्रजेश गुप्ता और ममता गुप्ता द्वारा फर्जी बेमाना लेकर किया गया। आपको बता दें कि प्रार्थी ने अपनी अरदास 1076 के द्वारा आधार देने पर लोगों से कहा कि आपकी सुनवाई हो रही है, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों द्वारा भेज दी गई, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण प्रार्थी को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किराए के मकान पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन शांत एवं भूमाफियाओं को दे रही है सहयोग। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो प्रार्थी को न्याय दिलाया जा सकेगा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अजय कुमार पाठक के साथ पारुल मिश्रा की रिपोर्ट। मामला क्या है आपका? मामला हमारा ये है कि मोहल्ला धनकुट्टीपुरा में मेरा मकान है, जो फर्जी तरीके से ब्रजेश गुप्ता व उनकी पत्नी ने बैनामा करा लिया है। मैंने अपने नाम करवा लिया। अपने नाम किसी दूसरे से बैनामा करवा लिया। दूसरे से? आपने तो बैनामा किया नहीं? नहीं नहीं, हमने बैनामा नहीं किया। भली बात आप जानते हैं? हम भली बात जानते हैं, हमने बैनामा नहीं किया। फिर इसके लिए क्या क्या? इसके लिए हमने पुलिस में सब में सूचना दिया, फिर लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमको जो है कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। कोर्ट की शरण में गए जी। फिर वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से इनके खिलाफ जो है 419, 420, 467, 468, 471 का मुकदमा पंजीक वो हो गया, आदेश हो गया, इनको तलब कर लिया गया। फिर वहाँ से फिर वारंट गया, कई वारंट NBW NPW। उसके बाद ये निगरानी में आ गए, फिर निगरानी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ इन्होंने निगरानी दाखिल किया, निगरानी भी इनकी खारिज हो गई। खारिज हो गई निगरानी भी इनकी। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ फिर वो CGM के यहाँ आ गया, फिर वहाँ से कम 8-9 वारंट गए, लेकिन अभी तक 2017 से अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी नहीं हो रही? गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो पुलिस वालों से आप मिले? पुलिस वालों से भी मिले। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? हो जाएगी, लेकिन वो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। अदालत का भी कहना पुलिस नहीं मान रही है और ना ही उनको अदालत पे पेश कर रही, ना ही अभी तक किसी प्रकार का जितने भी वारंट सम्मन जो भी गया, एक भी कागज अभी तक अदालत पे उन लोगों ने वापस भी नहीं भेजा है। कोई वापस नहीं किए? कोई वापस नहीं किए, क्योंकि वो दबंग आदमी है। दबंग है? हाँ, दबंग आदमी है, इसलिए थोड़ा गुंडई है, यानी पैसा है, पैसा वाले हैं। वो माफिया यही सब उनका काम ही है, यानी दूसरे की जमीन हड़प करना। दूसरे की जमीन हड़प करना, और ये भाजपा का ये राज है जिसमें अदालत की बात को, यानी अदालत की आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लंघन किया जा रहा है, अदालत का भी कहना नहीं माना जा रहा है। और क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी चाहते हैं कि उन सबकी गिरफ्तारी हो जाए, हमारा मकान हमको मिल जाए। मकान तुम्हें मिल जाए? जी, जो हम किराए के मकान में रह रहे हैं। ये मकान जहाँ आप रह रहे हैं किराए का है? हाँ, ये किराए का मकान है। आपका जो मकान है वो कब्जा कर रखे हैं? कब्जा हो गया 2015 में जी। ये उनका नाम क्या है? ब्रजेश गुप्ता। और उनकी पत्नी है ममता गुप्ता, कुलदीप गुप्ता। और कहीं उनके जो गवाह हुआ है, इन्हीं लोगों ने मिल के वो भी किया है, कब्जा भी किया है, इसकी सूचना सबको दी गई है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना होने पे लमसम ये वहाँ से आदेश अदालत से जब में हुआ, लमसम कितने दिन हो गए होंगे? इस वक्त कम से कम अभी मेरे पास फाइल है, हम आपको बता रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ से हुआ है। फाइल तक आ जाए यार। 20/8 में इनकी निगरानी 2019 तब से 9-8 वारंट जा चुके, तब से भी कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं, कोई कागज भी नहीं आ रहा है कि वहाँ से कोई आगा जाए या कुछ है। और तुम्हें किस प्रकार की धमकी उमकी तो कोई नहीं दे रहा? धमकी तो बहुत मिल रही है कि सुलह कर लो नहीं तो गोली मार दिया जाएगा। अब हमने पैसा दे दिया है, 1076 पे भी हमने कंप्लेन किया, वहाँ से जब भी होता है तो कहते हैं हम वहाँ संबंधित अधिकारी को भेज दिया गया है, गिरफ्तारी हो जाएगी की जाएगी, लेकिन अभी तक ना ही गिरफ्तारी हुई है ना ही यार हमारा चेहरा भी नहीं यार वहाँ से।
ना गिरफ्तारी हुई है ना कोई बात हुई। वहाँ पे जो है पोर्टल उनका जो है वो हर 15 दिन के बाद दूसरी न्यूज दूसरा लिख लेते हैं, उसमें भी 4 महीने से बराबर में जो है कंप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद में आपने मीडिया का शरण लिया? इसके बाद में फिर हम मीडिया के शरण में आए। मीडिया पे आपको भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा है, जनता भरोसा करती है, दुनिया भरोसा करती है, मुझे भरोसा करते हैं। मीडिया जन जन तक आपकी आवाज़ को पहुँचा, जन तक आवाज़ पहुँचाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी मेरी आवाज़ पहुँचाएगी, ताकि उनको भी इस बात का एहसास हो कि बहराइच में इस तरीके के लोग पुलिस अत्याचार कर रही है, पुलिस जो है और भूमाफियाओं के साथ मिलकर, भूमाफियाओं के साथ है, अदालत का भी कहना नहीं मान रही। ठीक है धन्यवाद। अजय कुमार पाठक, इंडिया 24 लाइव टीवी, बहराइच। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।